नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध डिश मिसी बेले भात बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर डालने वाला मसाला बनाना बताऊंगी। जिस तरह सांभर बनाते हैं सांभर के अंदर मसाला डाला जाता है, इसी तरह से मिसी बेले भात जब बनाते हैं तो उसके अंदर स्पेशल मसाला डाला जाता है। वैसे ये मसाला मार्केट में मिल जाता है, पर जब इस तरह का मसाला आप घर पर बना करके रख लेंगे तो जब भी आपकी इच्छा हो मिसी बेले भात बनाने की, आप फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए मसाला और मिसी बेले भात बनाना शुरू करते हैं। मिसी बेले भात बनाने के लिए हमने एक कप चावल लिया है। आपके घर में जो भी चावल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप हमने तुअर की दाल ली है, कुछ इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो ये आप रेशियो ध्यान रखें, जो भी कप से आप लेते हैं वो एक कप आप चावल लें और उसका आधा आपको तुअर की दाल लेनी है। अब दोनों को हम एक बाउल के अंदर मिक्स कर देंगे और नल के नीचे ले जाके चार पांच बार साफ पानी से धो लेंगे। दाल और चावल को हमने चार पांच बार साफ पानी से धो लिया है। अभी इसे पकाने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हमने कुकर लिया है, कुकर के अंदर दाल चावल डाल देते हैं। अभी इसमें कुछ सब्जियां मिक्स कर देते हैं। तो क्वार्टर कप जितना हमने बीन्स लिया है, बीन्स को इसमें डाल देते हैं। क्वार्टर कप जितनी हमने गाजर ली है, ये भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। क्वार्टर कप जितना ही हमने मटर लिया है। सब्जियाँ आप अपने पसंद के अनुसार ज़्यादा या कम ले सकते हैं, और जो भी सब्जी आप डालना चाहें वो सब्जी इसमें डाल सकते हैं। ये हमने एक आलू लिया है जिसको हमने साफ छील करके पानी के अंदर काट दिया है। कभी भी आप ध्यान रखें आलू को पानी में काट के रखें, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। अब इस आलू को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। सब सब्जियों को हमने कुकर में डाल दिया है, अभी इसमें पानी डाल देते हैं। इस समय मैं आपको रेशियो बता देती हूँ कि जितना आपने चावल लिया है उसका चार गुना आपको पानी डालना है। तो चार कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा करके हम पकाने के लिए रख देंगे और चार सीटी तक इसे पकाएंगे। अभी कुकर की चार सीटी आ गई है, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। इसकी भाप नहीं निकालेंगे, इसी भाप में ये और भी पकते रहेंगे। तब तक हम इसका मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी बेले भात का मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें सबसे पहले हम 1/4 कप चना दाल डाल देते हैं और 1/4 कप ही हमने उड़द की दाल ली है, इसको भी इसी के साथ में हम सेक लेंगे। और एक छोटा चम्मच मैंने दाना मेथी ली है, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इन तीनों चीज़ों को हम धीरे आँच में सेक कर तैयार करेंगे। धीरे धीरे आँच में सेकेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे तो यह मसाला रेडीमेड काफ़ी जगह पे मिल जाता है, पर कहीं कहीं जगह पे मसाला मिलता नहीं है। तो मैंने उचित समझा कि आपको भी इस मसाला बनाना सिखा दूँ, जिससे कि आप कभी भी अपने घर के अंदर मिसी बेले भात बना करके तैयार कर सकें। जैसे सांभर का मसाला घर पे बनाकर तैयार करते हैं तो जल्दी से सांभर बन के तैयार हो जाती है, उसी तरह इस तरह का मसाला बना के रख देंगे तो आप कभी भी छुट्टी का दिन हो या कभी भी इच्छा हो कि फटाफट काम करने की, तो उस समय ये बना करके तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी बन के तैयार होता है। धीरे धीरे आँच में 1.5 से 2 मिनट में अच्छी पक के तैयार हो जाता है और इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाता है, जिससे क्या है मसाला जल्दी ख़राब नहीं होता है। अभी इसको हम एक बाउल में ले लेंगे और इसी बर्तन में हम दूसरे मसाला सेक लेंगे। ये हमने 1/4 कप ही सूखा धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, ये भी इसी के साथ सेक लेंगे। ये सभी सेकने का काम हमारे को धीरे आँच में ही करना है, इतना ही सेकना है हमारे को जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए। देखिए जीरा अंदर से चटकने लग गया है और धनिया भी अच्छे से पक गया है, क्योंकि सूखी हुई चीज़ें होती है ना तो फटाफट ये सीख जाती है। अभी इसे हम एक उसी बाउल में वापस निकाल लेते हैं। अभी हमने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, लगभग 1/4 कप हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको भी हम सेक लेते हैं। यदि आपके पास सूखे हुए कड़ी पत्ते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं इसलिए इसको इस तरह से हम सुखा लेंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे, फिर इसकी खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आएगी। कभी घर में आप फ्रेश कड़ी पत्ते वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह से सुखा करके भी आप रख सकते हैं, तो फटाफट सूख के तैयार हो जाते हैं। ये सभी मसाले हमने कोई भी तरह का तेल वगैरह नहीं डाला इसमें, बिना तेल के ही सेक के तैयार कर रहे हैं। कड़ी पत्ते देख के सीख गए हैं, तो हाथ में इस तरह से लेकर के आप देख लें, इसका चूरा हो रहा है, इसका मतलब कड़ी पत्ते अच्छे सीख गए हैं, एक आराम से चूरा हो रहा है इस कड़ी पत्ता का। अभी इसमें मैंने 4 तेज पत्ते लिए हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं तोड़ करके, तो थोड़ा इसका भी मॉइस्चर निकल जाएगा इसी के साथ। तेज पत्ते तो वैसे ही सूखे हुए हैं, पर खाली इसका मॉइस्चर निकालने के लिए इसमें डाला है मैंने। मॉइस्चर अच्छा निकल जाएगा तो फिर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये दोनों ही अच्छे से सूख गए हैं, देखिए बहुत ही अच्छे एकदम से चूरा हो रहा है इसका। अभी इसको भी हम इसी मसाले के साथ में निकाल लेंगे। अभी हमने 1/4 कप नारियल का चूरा लिया है, इसको भी हम सेक लेते हैं। इस समय मैं आपको बता देती हूँ कि नारियल का चूरा यदि आप डाल के रखेंगे तो ये मसाला 1.5 से 2 महीना तक चलता है, ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि नारियल का थोड़ा धीरे धीरे स्मेल आने लग जाता है। तो यदि आपको ज़्यादा टाइम के लिए मसाला बनाना है तो आप उसमें नारियल का चूरा नहीं डालें। ये नारियल का चूरा जिस समय आप मिसी बेले भात बनाते हैं उस समय आप डाल सकते हैं,
बिना इसके बनाएंगे तो मसाला आपका 6 महीना भी ख़राब नहीं होगा, और इसको डाल के बनाएंगे तो आपको 1.5 से 2 महीना में मसाला ख़त्म करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से मसाला बना करके तैयार करके रखें। ये भी हम धीरे धीरे आँच में ही सेक रहे हैं। इसी के साथ इसमें हम करीब 1 छोटा चम्मच हमने लौंग लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ साथ ये भी सिक जाएंगे। वैसे तो सब ये सूखे होते हैं, पर इसका मॉइस्चर निकालने के लिए इसमें हम डाल रहे हैं। दालचीनी के हमने 4-5 टुकड़े लिए हैं इस तरह से। दालचीनी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। इसमें आप इलायची वगैरह नहीं डालें, क्योंकि मेन इसमें दालचीनी का फ्लेवर आता है, तो ये खाने में उस समय बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे आँच में इसको भी इसी के साथ में सीख लेंगे। नारियल हमारा अच्छा सीख गया है, इसका हल्का सा कलर एकदम चेंज होने लगा, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। और खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसी के साथ हम ये नारियल भी डाल देते हैं। अभी इसमें डालने के लिए हमने करीब 20 से 25 मिर्चें ली है, इसको हमने काट लिया है। काट करके इसको सेक लेंगे अच्छे से, जिससे इसका भी मॉइस्चर निकल जाएगा। मिर्ची को ऐसे छोटा छोटा काट लेता तो सेकने में बहुत आराम रहता है, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया तो आराम से ये सेक जाएगा। आप चाहे तो साबुत मिर्ची भी सेक सकते हैं। मैंने मिर्ची के बीज निकाले नहीं हैं, आप चाहे तो बीज निकाल भी सकते हैं। आप जो भी मिर्ची खाते हैं वो ले सकते हैं। ये सूखी मिर्ची है, सूखी मिर्ची डालने से इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यदि आपके पास सूखी मिर्ची नहीं है तो आप मिर्ची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिर्ची कभी डालनी है आगे मैं आपको बताऊंगी। मिर्ची भी हमारी अच्छी सीख गई है, तो ज़्यादा नहीं सेकना, क्योंकि ये सूखी हुई मिर्ची थी। इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, अच्छी इसकी आवाज़ आ रही है। बस इस तरह से मिर्ची को भी हमने सेक लिया है। अब सब मसालों को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आपको कभी भी गर्म गर्म नहीं पीसना है, ठंडा करने के बाद में पीसना है। अब ये मसाला हमारा पूरा ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद इसे पीसना है। इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। सभी मसाले को हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है, अभी इसे पीस लेते हैं। एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए मसाला बहुत ही अच्छा पीस के तैयार हुआ है। इसकी खुशबू इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। इस तरह का मसाला बना करके आप लिक टाइट जार में डाल के रख दें। इस समय मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं है तो जो भी आप लाल मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं वो लाल मिर्ची का पाउडर इस समय आप डाल सकते हैं। डाल करके एक बार वापस इसका ढक्कन लगा करके वापस पीस लें तो मसाला आपका तैयार हो जाएगा। अभी इसे हम निकाल लेंगे। अभी इस मसाले का इस्तेमाल करके हम बिसी बेले भात बना करके तैयार करते हैं। उसके लिए हमने पैन लिया है, पैन में 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, और गैस को चालू कर देते हैं। सबसे पहले हमने 1/4 कप मूंगफली ली है, जिसको हम सेक लेते हैं। हमने यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल किया है, इस जगह पर आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे आँच में हम मूंगफली सेक करके तैयार करेंगे। इसी के साथ हम 1 छोटा चम्मच राई डाल देते हैं। राई भी साथ में पक जाएगी। मूंगफली भी चटकने लग गई है और राई भी पकने लग गई है। अभी इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देते हैं, और 2 हरी मिर्ची भी है, इसको हमने बड़ा बड़ा ही काटा है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। आप तो मिर्ची को छोटा भी काट सकते हैं, जिसको मिर्ची खाना पसंद नहीं है वो इस मिर्ची को निकाल भी सकते हैं, इसलिए हमने बड़ा बड़ा काटा है। सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। अभी इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। एक हमने बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने इस तरह से काट के तैयार किया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा हमने बड़ा बड़ा ही काटा है, जिससे क्या दिखने में भी अच्छे लगते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार प्याज छोटे या बड़े काट के तैयार कर सकते हैं। मैं हमेशा बनाती हूँ जब इसी तरह से प्याज काट करके डालती हूँ। एक छोटी शिमला मिर्ची ली है, इसको भी हमने इस तरह से काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इन सभी सब्जियों का क्या क्रंची टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हमने इसको कुकर में नहीं पकाया है, इसको इधर ही पका करके तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ एक टमाटर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी पक गई है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे सब्जियों को, थोड़ा थोड़ा पकाएंगे, हल्की धीरे धीरे आँच में और भी ये पकती रहेगी। अभी इसमें पानी डाल देते हैं। 2 कप मैंने पानी लिया है, ये इसमें डाल देंगे। आँच को इस समय तेज़ कर देंगे। इसके साथ इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल देते हैं, और 1 टेबल स्पून जितनी हमने इमली ली थी, जिसको हमने घंटे भर पहले भिगा के रख दिया था, तो ये भीग करके तैयार हो गई है। तो इस इमली के रस को इसके अंदर हम डाल देते हैं। अभी इसमें हम 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी इसमें उबाल आ गया है। अभी जो मसाला हमने बनाकर तैयार किया है वो 2 चम्मच मसाला इसके अंदर डाल देते हैं। मसाला भी इसके अंदर अच्छा पक जाएगा। और सभी मसालों को बैलेंस करने के लिए इसमें हम 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल देते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आपको थोड़ा सा हल्का सा मीठा खाना पसंद है तो आप डाल सकते हैं, पर इसका मीठापन बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। सभी जो मसाले हमने डाले हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह का बिसी बेले भात है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। कुकर की भाप पूरी ख़त्म हो गई है,
इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारे दाल और चावल बहुत अच्छे से पक गए हैं, एकदम स्मूथ बन गए। देखिए और सब्जियां भी इसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छी दिख रही है। अभी इसको हम उसी मसाले के साथ डाल देते हैं, सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम एक कप पानी और डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं चावल और दाल इसमें बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। इस तरह से अच्छे पक जाते हैं तो फिर खाने में ये बिसी बेले भाते बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दूसरी सब्जियां भी इसमें बहुत अच्छी लग रही है। इसको अब धीरे आंच में हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे जो मसाले हैं उसकी खुशबू भी इस दाल और चावल के अंदर बहुत अच्छी मिक्स हो जाएगी। अभी इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। देखिए धीरे धीरे आँच में ये सभी मसालों का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आ गया है, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देते हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसके अंदर हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। ये हमारा बिसी बेले भात बनकर तैयार हो गया है। ये करीब 5 से 7 लोगों के लिए सफिशेंट है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।